कैसे आप लोग, आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऑन पेज एसईओ के बारे में ऐसे पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑन पेज एसईओ करते हैं, तो ये सारे भी पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक देखते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एसईओ ऑन पेज एसईओ करते वक्त ध्यान रखने होते हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो गाइस, सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि ऑन पेज एसईओ हमें करना कहां पे होता। तो डेफिनेटली ये जो ऑन पेज एसईओ है उसके लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होती है। वेबसाइट के अंदर जब हम कोई कंटेंट पोस्टिंग करते हैं या पेज को डिजाइन करते हैं या उसके अंदर कोई ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखते हैं, तो वहां पर उसको पूरा प्रॉपरली करते वक्त हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने होते हैं, ताकि हमारा जो पेज है, जो हमारी मेहनत है, वो कहीं पे वेस्ट ना हो जाए, उसके चलते हमारी वेबसाइट पे भर भर के ट्राफिक जो है वो आ सके। तो ऐसे में जो है हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट होता है आपका क्रॉलिंग। अगर आपके जो पेज है वो अगर प्रॉपरली क्रॉल नहीं होता है तो डेफिनेटली आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं आएगी। बिकॉज क्रॉलिंग एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा टर्म है जिससे आपके जितने भी सर्च इंजन है उनको ये पता चलता है कि आपके पेज के ऊपर में क्या कंटेंट अवेलेबल है, और उसी के बेस के ऊपर में जब कोई यूजर सर्च करता है तो आपके जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक को पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इंडेक्सिंग। जब भी हम कोई पेज बनाते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है जो कि है गूगल, हम श्योर सभी को पता होगा, तो वहां पर हमें हमारा जो पेज है वो इंडेक्सिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हमारी वेबसाइट पे पेज होते हैं और सभी पेज जो है वो इंडेक्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम कोई ऐसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको लिख रहे हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट पे काफी अच्छा ट्रैफिक आ सकता है, तो उसके लिए हमें इंडेक्सिंग करवाना उस पेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा हम बात करते हैं साइट मैप। साइट मैप अगेन जो है आपके इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग के साथ में ही कंबाइंड फीचर है, बट आपको जो है साइट मैप को भी हमेशा चेक करते रहना है कि आपका जो साइट मैप है वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है कि नहीं, क्या आपका साइट मैप जो है कहीं ब्लॉक तो नहीं है, इजी एक्सेसिबल है बाय, सो दैट कि आपका जो भी इंडेक्सिंग है या क्रॉलिंग का जो इश्यूज हैं वो ना हो सके। चौथा हम बात करते हैं मोबाइल फ्रेंडली। तो जो भी आप पेज डिजाइन कर रहे हैं या जो भी उसमें आर्टिकल्स डाल रहे हैं या इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। आप जो है वेबसाइट के डेस्कटॉप वेबसाइट पे कोई अलग कंटेंट या फिर मोबाइल के अंदर अलग कंटेंट नहीं दिखा सकते। आपको एक ही कंटेंट को जो है ऑप्टिमाइज करना होता है इन अ सच अ वे कि वो आपका मोबाइल के ऊपर जब यूजर देखे तो उसको भी परफेक्ट नजर आना चाहिए, और जब वो जो है वेबसाइट के ऊपर देखे तो वहां पर भी उसको जो है परफेक्ट नजर आना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास पांचवा है यूआरएल टेस्टिंग। URL जो है ये क्रिएट करते वक्त हमें परमालिंक्स, जिसको हम लोग बात कर बोलते हैं, तो परमालिंक्स क्रिएट करते वक्त हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि जो हमारा आर्टिकल है, जो हमारा कीवर्ड है, क्या उससे रिलेटेड हमारा URL क्रिएट हो रहा है कि नहीं, जो हमारा कीवर्ड है क्या वो हमारे URL के अंदर आ रहा है कि नहीं। और कभी भी ध्यान रखें, जब भी आप URL बिफोर पब्लिशिंग एनी पोस्ट, आपको ये ध्यान रखना कि आपका URL जो है वही होना चाहिए जो आप एक्चुअली बनाना चाहते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि पहले जो है आपने कुछ और यूजर URL क्रिएट कर दिया, बाद में आपने उसमें URL को चेंज कर दिया, तो आपके लिए जो है अगर वो पहले से क्रॉल हो चुका है तो ऐसे में आपके पास में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाएंगी, तो इसलिए उसको पहले ही हमें टेक केयर करना होता है। सिक्स की बात करें मेटा डेटा। मेटा डेटा जो है ये बेसिकली आपका जो भी पेज है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताता है यूजर को। तो ये जब भी कोई यूजर सर्च करता है तो वहां पे उसका सबसे पहले पेज का टाइटल वगैरह आता है, उसके नीचे ही आपका जो है पूरा मेटा डिस्क्रिप्शन आता है, और ये भी एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टर्म है, जो आपके क्रॉलिंग के साथ में जो इस्तेमाल किया जाता है या सर्च के दौरान जो इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेवेंथ बात करते हैं हम यहाँ पे टैग्स की। टैग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे पास, हमारे किसी भी पेज के ऊपर में, चाहे वो हम किसी भी तरह का एसईओ कर रहे हैं, तो ऐसे में जो टैग्स हैं वो बेसिकली हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड्स को प्रॉपर तरीके से ऐड करना
और उसको जो है ऑप्टिमाइज करवाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आठवें नंबर पे हमारे पास आता है कंटेंट। कंटेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई पेज क्रिएट कर रहे हैं या उसके अंदर जो है ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, तो हमें ये भी मेक श्योर करना होता है कि जो हमारी एसईओ से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है सर्च इंजन की, उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम कंटेंट आपका जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो एसईओ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपके उस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर आपके पास में H1, H2, H3 टैग्स जो है वो आपके पास में होने चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपके पास में होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप कंटेंट के साथ में काम करेंगे। नाइन्थ की बात करते हैं, नाइन्थ स्टेप हमारा होता है इमेजेस के बारे में। इमेजेस जब भी हम हमारे किसी भी पोस्ट के अंदर डाल रहे हैं, तो एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि हम इमेज को सिर्फ ऐड नहीं करेंगे, इमेज के साथ साथ में उसको भी एसईओ फ्रेंडली बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप इमेज का डाल रहे हैं तो मेक श्योर ये करना है कि आप उस इमेज का जो अल्ट टैग जिसको बोलते हैं, तो अल्टरनेट जो टेक्स्ट होता है वो आपका डालना टैग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई सर्च इंजन क्रॉलिंग करता है तो वो आपके सिर्फ कंटेंट को ही क्रॉल नहीं करता, वो आपकी वेबसाइट के इमेजेस को भी करता है। तो अगर कोई भी यूजर आपके गूगल पे जाके, किसी भी सर्च इंजन पे जाके अगर सर्च करता है, तो अगर वो वेब से ऑल के ऊपर में क्लिक करता तो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट बेस आपकी लिस्टिंग होती है, लेकिन अगर वो इमेज सेक्शन में जाता है तो वहां पर भी आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप पे आ जाती है। टेंथ हम बात करें यहाँ पे इंटरनल लिंक्स। जब भी हम ऑन पेज एसईओ करते हैं तो इसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि हम इंटरनल जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड करें। अगर हमारा कुछ मैचिंग कंटेंट है, कोई मैचिंग एक निश के अकॉर्डिंग हम काफी सारे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, तो उससे हम आपस में इंटरलिंकिंग करेंगे, सो दैट कि क्रॉलिंग जो हो रही है या जो भी आपके सर्च इंजन्स हैं उनको भी ये पता चल सके कि ये जो पेजेस हैं ये पर्टिकुलर किसी एक ही निश को रिलेटेड हैं, तो वो उसको उसी हिसाब से जो है क्रॉलिंग करेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं टेंथ, जो कि है आपका 11th, विच इज योर एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। एक्सटर्नल लिंक ये जरूरी नहीं है कि आप किसी अपने किसी दूसरी किसी की वेबसाइट को आपको एक्सटर्नल लिंक देना है, वो एक्सटर्नल लिंक आप अपने सोशल मीडिया को दे सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है उसके लिए दे सकते हैं, या आपके पास में कोई दूसरा आर्टिकल कहीं पे लिखा हुआ है तो आप उसको लिंक दे सकते हैं। तो एक्सटर्नल लिंक भी जो है आपकी एक एसईओ ऑन पेज एसईओ का बहुत ही अहम हिस्सा है। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे आपका जो एसईओ स्कोर है वो 100% नहीं जा सकता। फाइनली 12th पॉइंट की बात करते हैं, तो 12th पॉइंट होता है पेज स्पीड, यानी कि जो हमने पेज क्रिएट करा है तो उसकी जो स्पीड है, लोडिंग स्पीड है, जो हमने इमेजेस इस्तेमाल करी हैं, तो जब कोई पेज लोड हो रहा है तो उस वक्त में आपकी इमेजेस इतनी ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए कि वो लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लें। तो इसलिए आपको जो है इसके लिए भी कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसका आप इस्तेमाल करके आप जो है पेज लोड की स्पीड को चेक कर सकते हैं, और जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं आप उनको जो है अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ 12 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि एक ऑन पेज एसईओ करते वक्त आपको ध्यान रखने होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं, बट वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, उसको जो है हम जब कभी भी ऑनलाइन ऑन पेज प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा एसईओ, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे जो पॉइंट्स हमने करे हैं इनको किस तरह से टेक करा जाता है, और इसके साथ में जो आपके कुछ और पॉइंट्स हैं उनको किस तरह से आपको टेक केयर करना है। सो गाइस, आई होप कि आपको जो है आज का हमारा ये वीडियो है जो कि ऑन पेज एसईओ के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको पसंद आए होंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, और अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए, आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, आपको एसईओ से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, या फिर आपको लैंडिंग पेजेस से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, यूट्यूब मार्केटिंग रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन पेड गूगल एड्स फेसबुक एड्स से रिलेटेड अगर आप कंटेंट आपका इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे यही सारे टॉपिक्स के ऊपर में हम जो है कंटेंट को अपलोड करते हैं। सो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।